मौत की खबर फतेहगंज पश्चिम में पहुंचते ही कस्बे में तनाव पैदा हो गया। हैरानी की बात यह है कि घटना से कुछ समय पहले ही मीरगंज सीओ जगमोहन सिंह मोटोला फतेहगंज पश्चिम थाना प्रभारी के साथ फ्लैग मार्च भी किया था, जिसके तुरंत बाद बदमाशों ने सभासद व्यापारी नेता की हत्या कर दी। पुलिस की नाकामी देखने को मिली और उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के कस्बा फतेहगंज पश्चिम स्मैक तस्करी के लिए विख्यात हो गया है। इस कस्बे में आए दिन दूसरे राज्य से और जिले से स्मैक तस्कर को पुलिस गिरफ्तार करती है, मगर हैरानी की बात यह है कि थाना फतेहगंज पश्चिम और सीओ मीरगंज ने फतेहगंज पश्चिम के सप्लायर स्मैक तस्करों को आज तक नहीं पकड़ा, जिसके कारण स्मैक तस्करी का धंधा खूब फल फूल रहा है। बरेली के फतेहगंज पश्चिम में स्मैक तस्करी की शिकायत करना एक सभासद नेता को भारी पड़ गया। स्मैक तस्करी की शिकायत से बौखलाए तकसर माफियाओं ने डॉक्टर असलम को दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया और पुलिस से बदमाशों ने अपना लोहा मनवा लिया। बेखो बदमाशों ने दिन दहाड़े सपा के सभासद व्यापार मंडल के पदाधिकारी डॉक्टर असलम खान को उनकी दवाई की दुकान पर आकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे डॉक्टर असलम लहूलुहान हो गए, जिनको बरेली के निजी अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कस्बा फतेहगंज पश्चिम में खुलेआम स्मैक बेस कानून व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है। मृतक डॉक्टर असलम दैनिक जागरण के पत्रकार अकरम के बड़े भाई थे। थाना फतेहगंज पश्चिम में उपजा प्रेस क्लब इकाई मीरगंज के अध्यक्ष गणेश पथिक ने सीओ मीरगंज से कहा कि पत्रकारों के परिजनों को अब बदमाश निशाना बना रहे। उन्होंने बदमाशों पर प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की। प्रेस क्लब इकाई पत्रकार संगठन के सभी पत्रकार साथी सीओ मीरगंज से मिले। सभी पत्रकार साथियों ने दिन दहाड़े हुए हत्या के मामले में दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की मांग की। कहा, जब तक बदमाश जेल नहीं जाते तब तक पीड़ित के परिवार डर और खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। देखना होगा कि फतेहगंज पश्चिम पुलिस स्मैक तस्करी पर कब तक नकेल कसेगी। बरेली मीरगंज से कमर बेग की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हैं? ये जो गोलीकांड हुआ है इसमें कौन थे आपकी मृतक हैं? बड़े भाई। घटना के पीछे क्या कारण है? घटना के पीछे रंजिश है। किस लोगों से रंजिश है? फतेहगंज के लोग हैं, हरीश काके वगैरह शराफत है, भाकत है। इनसे आपकी किस चीज़ को लेकर रंजिश चल रही थी और कब से चल रही थी? ये रंजिश हमसे रंजिश मानते हैं। हरीश काके जो तस्करों से पैसा वसूलता है, उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम उसके काम में अड़चन डाल रहे हैं। तस्कर किस चीज़ के? इसमें तस्कर। तो कोई एफ आई आर कराई? नामजद तीन लोग नामजद हैं और दो अज्ञात हैं। जो नामजद हैं उनके क्या क्या नाम है? एक का नाम है रिफाकत, एक सराफत, एक हरीश काके। निवासी? निवासी दो तो मोहल्ला सराय के और एक लोजी नगर। तो इस जो आपने लिखित तहरीर दी है इस पे पुलिस ने कोई अभी तक गिरफ्तारी की है या नहीं? गिरफ्तारी तो नहीं करी है, लेकिन पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन सब लोगों घर बंद हैं, भागे हुए हैं। कह रही है कि घटना बैठक थी, आप लगभग 7 बजे क्या क्या फायर खोले गए? लगभग 4-5 फायर करे गए, लेकिन लगे दो हैं। कितने लोग थे ये जो बदमाश थे? वो कितने थे? क्या उनने अपने चेहरों पर नकाबपोश लगा रखा था या नहीं लगाया था? बिल्कुल सामने दिख रहे थे। तो आपने आप वहीं प्रेजेंट टाइम में मौजूद थे? लेकिन हमने तीन को पहचान लिया, दो लोग को हम पहचान नहीं पाए, सामने आएंगे तो पहचान लेंगे। तो डॉक्टर असलम खान है जो मेडिकल को आप लेके आए थे बरेली अस्पताल में, तो यहाँ अस्पताल में पहुंचते ही मौत हो गई थी या इलाज के दौरान मौत हुई? थोड़ी देर इलाज हुआ था, एक आध घंटा, उसके बाद। तो उन्होंने कोई बयान वगैरह दिए? नहीं, बयान नहीं दे पाए वो। सही, जैसे जो डॉक्टर साहब की गोली मारी गई, व्यापारी नेता ऐसे डॉक्टर असलम खान, इनके साथ दिन दहाड़े शाम को 7 बजे लगभग गोली मारी गई है, इस बच्चे में सब कुछ बताएंगे सर? तो अज्ञात बदमाशों ने शाम हमला किया, इन पर दो गोली लगी है, इनको स्थिति क्रिटिकल है और कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। कुछ नाम प्रकाश में आए हैं जिन्होंने ये कार्रवाई को काम कराया, तो उनकी धरपकड़ जा रही है।